अस्सलाम वालेकुम असलकुमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से मैट्रिक के तीसरे प्रोग्राम के साथ हाज़िर हैं इस प्रोग्राम में हम आपको एटम की साख और उसके नज़रिए के इर्तका के बारे में बताएंगे इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि कीमियाई बंधन क्या है और इसका अमल किस तरह से वजूद में आता है तो आइए सबसे पहले ये मालूम करते हैं कि एटम किसे कहते हैं एटम एक यूनानी लफ्स एटोमा से लिया गया है जिसका मतलब है नाकबले तकसीम सबसे पहले एक इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन ने एटमी नज़रिया पेश किया जिसे डाल्टन एटॉमिक थेरी कहा जाता है इस नज़रिए के मुताबिक मादा बेशुमार एटमों से मिलकर बना है और एटम किसी एलिमेंट या अंसर का मुख्तर तुरंत ज़रा है जो कीमियाई तब्दीलियों में अपनी इनफ़रादियत कायम रखता है इसके अलावा किसी एक अंसर के तमाम आटम शक्ल सूरत हजम जहाज़न और दीगर खसूसियात में एक जैसे होते हैं लेकिन दूसरे अनासर के एटमों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं डाल्टन के नज़रिए के मुताबिक एटमों के आपस में मिलने या एक दूसरे से जुदा होने के सबाब कीमियाई तब्दीलियाँ पैदा होती हैं और मुख्तलिफ अनासर के एटम एक ख़ास तरकीब से मिलकर कीमियाई मरकबात बनाते हैं एटम बहुत से बुनियादी ज़रात पर मुश्तम होता है जिनमें से तीन बुनियादी ज़रात जो बहुत ज़्यादा अहमियत के हाँ मिलें है, वह हैं अलक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर मनफी बार यानी नेगेटिव चार्ज होता है और 1836 इलेक्ट्रॉन की का वज़न एक प्रोटॉन के, के वज़न के बराबर होता है और इसके चार्ज की मकदार एक इशारिया छः जीरो दो ज़रबदास की ताकत मनफी उन्नीस को होता है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके चार्ज की मकदार अलेक्ट्रॉन के चार्ज की मकदार के बराबर होती है जबकि प्रोटोन का वज़न एक इशारिया छः सात ज़रब दस की ताकत मनफी तेईस किलोग्राम होता है एटम का तीसरा ज़रा न्यूट्रॉन है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता इसलिए इसे न्यूट्रल कहा जाता है इसके इसका वज़न प्रोटॉन के वज़न के बराबर यानी एक अशारिया छः सात ज़रब दस की ताकत मनफी तेईस किलोग्राम होता है हाइड्रोजन के आइटम के अलावा बाकी तमाम अनासर के आटमों में न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं एटम के बुनियादी ज़रात में से सबसे पहले अलेक्ट्रॉन दरियाफ्त हुआ अठारह में माइकल फेरेडे ने यह दरियाफ्त किया कि बरकी रो का बहाव दरअसल अलेक्ट्रॉन की एक जगह से दूसरी जगह हरकत की वजह से पैदा होता है इसके बाद जे जे थॉमसन ने एक तजर्बे के ज़रिए अलेक्ट्रॉन की मौजूदगी को साबित किया इस तजर्बे में डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस जो बहुत कम दबाव पर थी जब उसमें से बहुत ज़्यादा वोल्टेज की बिजली गुजारी गई तो कैथोड से कुछ शुआ ख़ारिज होना शुरू हो गई इन शुआओं को कैथोड रेस का नाम दिया गया जिनकी खसूसियात ये हैं कैथोड रेस सीधी लाइन में और मुखाली सतट में हरकत करती हैं कैथोड रेस पर मनफी बर की बार मौजूद होता है नंबर तीन कैथोड रेस मकनातीसी मैदान से मुतासर होती हैं यानी ये मकनातीस के मस्बत पोल की तरफ मुड़ जाती हैं जिससे जाहिर होता है कि कैथोड रेस पर मनफी बार मौजूद होता है नंबर चार कैथोड रेस जब ग्लास पर पड़ती हैं तो उसे रोशन कर देती हैं नंबर पाँच जे जे थॉमसन ने कैथोड रेस की चार्ज और मैस की जो नस्बत निकाली वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मै चार्ज और मैस की नस्बत के बराबर थी नंबर छः कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब में गैस और कैथोड को चेंज करने के बावजूद कैथोड रेस की खसूसियात एक जैसी रहती हैं इसके बाद एक फ्रांसीसी कीमियादान हैंनरी बेकरुल ने अठारह में यह दरियात किया कि कुदरती तौर पर पाए जाने वाले बाज़नासर में से तीन किस्म की श्वाएँ खारिज होती हैं और वो श्वाएँ अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स और गैमा रेस कहलाती हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स पर दो मस्बत चार्ज होते हैं और इसका वज़न हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर यानी चार एटॉमिक मैस यूनिट होता है लॉड रथरफोर्ड ये अंग्रेज़ माहर तबियात था उसने इन ज़रात की मदद से सेटम की साख का पता लगाया उसने अपने तजर्बे के ज़रिए बताया कि इन ज़रात के तेज़ धारे को जब सोने के बहुत ही बारीक पतरे में से गुजारा जाए तो ज़्यादातर ज़रात उनमें से गुज़र जाते हैं इसके अलावा लॉड रथरफोर्ड ने यह भी बताया कि कुछ ज़रात मुनरफ हो जाते हैं और कुछ खाली जगहों में से सीधे गुजर जाते हैं अपने तजर्बात के ज़रिए लॉर्ड रथरफोर्ड ने 1911 में एक एटमी नज़रिया पेश किया जिसे न्यूक्लियर मॉडल कहा जाता है इस नजरिए के मुताबिक एटमी निज़ाम बहुत छोटे पैमाने पर निज़ामी शमसी से मिलता जुलता है आइटम कुली तौर पर न्यूट्रल होता है और इसका कुल मस्बत बार उसके मरकज़ में मरतकज़ होता है जिसे न्यूक्स कहते हैं न्यूक्लियस के बाहर अलेक्ट्रॉन गर्दश करते हैं इसके अलावा रथरफोर्ड ने यह भी बताया के एटम का वजन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के का वज़न के बराबर होता है रथरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल पर तीन बड़े एतराज किए गए पहला इतराज़ ये किया गया कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन्स को साकिन तर तो किया जाए तो इस हालत में किसी भी क्याम पजीर निज़ाम का वजूद मुमकिन नहीं है दूसरा एतराज़ ये था कि अगर अलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के गर्द खला में गर्दश करते हुए तस्वुर तो किया जाए तो तोई का अखराज लाजमी है जिसके नतीजे में अलेक्ट्रॉन गोल रास्तों पर सफ़र करते हुए आखिरकार न्यूक्लियस में जाकर ख़त्म हो जाएंगे और जिसके नतीजे में आतमी नज़ाम मनदम हो जाएगा तीसरा इतराज ये किया गया कि अलेक्ट्रॉन की गर्दिश के सबाब तो का अखराज मुसलसल होना चाहिए और कॉन्टिन स्पेक्ट्रम बनना चाहिए लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम बनता है लॉर्ड रथरफोर्ड के आतमी नज़ाम के बाद एटम के बारे में एक मुकम्मल तस्वीर पेश की गई और इसके मुताबिक एटम के दो हिस्से हैं एक न्यूक्लियस और दूसरा न्यूक्लियस के बाहर का हिस्सा यानी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट न्यूक्लियस एटम का अंदरूनी हिस्सा है जिसमें प्रोटोन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है और न्यूक्लियस का वज़न प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मुश्तरक वज़न के बराबर होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो कि आइटम का दूसरा हिस्सा है यह न्यूक्लियस के बाहर मुख्तलिफ़ मदार में इलेक्ट्रॉन्स घोल रास्तों पर सफ़र करते हैं जिन्हें मदार शेल्स या ऑर्बिट कहा जाता है किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद को या न्यूक्लियस के बाहर अलेक्ट्रॉन्स की तादाद को अटामिक नंबर कहा जाता है जिसे जेड से ज़ाहिर किया जाता है हर ऐटम में प्रोटोन और न्यूट्रॉन की एक ख़ास तादाद मौजूद होती है जिसके मजमू को एटॉमिक वेट या एटॉमिक मैस नंबर कहा जाता है किसी भी एटम के एटमी वज़न में से अगर एटॉमिक नंबर को मनाहा कर दिया जाए तो न्यूट्रॉन्स का नंबर हासिल होता है मिसाल के तौर पर कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है और इसका एटॉमिक नंबर 6 है इस तरह कार्बन में न्यूट्रॉन्स की तादाद 6 है किसी भी आंसर के एटमी वज़न और एटमी नंबर को लिखने के लिए इस अंसर के सिंबल के नीचे बाएं जानब एटमी नंबर लिखा जाता है और सिंबल के ऊपर दाएं जानब एटमी वज़न लिखा जाता है मिसाल के तौर पर कार्बन का एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर ज़ाहिर करने के लिए इसे C12 और 6 लिखा जाता है यानी 12 कार्बन के सिंबल के ऊपर दाएं जानब और 6 कार्बन के नीचे बाएं जानब लिखा जाता है इसी तरह हाइड्रोजन के सिंबल H के नीचे एक और इसके ऊपर एक की मौजूदगी इसको जाहिर करती है कि इसका एटॉमिक नंबर भी एक है और एटॉमिक वेट भी एक है और ये इस बात की भी निशानदेही करता है कि हाइड्रोजन के आइटम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है ये ज़रूरी नहीं है कि किसी अंसर के तमाम आटमों के ऐटमी वज़न एक जैसे हों ऐसे तमाम अनासर जिनके ऐटमों के ऐटमी वज़न मुख्तलिफ हों लेकिन एटमी नंबर एक जैसे हों आइसोटोप्स कहलाते हैं तकरीबन तमाम अनासर के आइसोटोप्स होते हैं मसलन हाइड्रोजन में तीन किस्म के आइसोटोप्स होते हैं इसका पहला आइसोटोप प्रोटियम कहलाता है जिसका एटॉमिक वेट भी एक है और एटॉमिक नंबर भी एक है हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप्स ड्यूटियम कहलाता है जिसका एटॉमिक वेट दो और एटोमिक नंबर एक है हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप्स तो, ड्रिटियम कहलाता है जिसका एटॉमिक वेट तीन और एटॉमिक नंबर एक है इससे ज़ाहिर होता है कि इनके न्यूट्रॉन मुख्तलिफ है या न्यूट्रॉन की तादाद इन तीनों आइसोटोप्स में मुख्तलिफ है नाजरीन जैसा कि हमने देखा कि रथरफोर्ड का एटमी मॉडल सही तरीके से एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताता एक और साइंसदान बोहर ने उन्नीस में इन मुश्किल को हल करने के लिए एक जदीद एटमी नज़रिया पेश किया जिसे बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहा जाता है इस नज़रिए के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स न्यूकलियस के गर्द गर्दश करते हैं और वह सिर्फ़ अपने मदार में घूमते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तोानाई वाले मदार से कम तोानाई वाले मदार में दाखिल होता है तो उसमें से कुछ तोानाई खारिज होती है और इस तो की मकदार उन दोनों मदारों में मौजूद अलेक्ट्रॉन की तोानाई के फर्क के बराबर होता है और इसे इस मसाव से ज़ाहिर किया जाता है डेल्टा ई इज़ इक्वल टू ई टू माइनस ई इज इक्वल टू एच न्यू इस मसवात में ई ज़्यादा तवानाई वाले मदार में इलेक्ट्रॉन की तवानाई और ई कम तवानाई वाले मदार में इलेक्ट्रॉन की तवानाई को जाहिर करता है जबकि एच एक कांस्टेंट है जिसे प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं और न्यू अलेक्ट्रॉन मौज की तादाद या फ्रीक्वेंसी होती है इस नजरिए के मुताबिक ऐसे मदार्चों का वजूद मुमकिन है जिनका जावियाती मैार या एंगुलर मोमेंटम एच ओवर टू पाए या इसका इंटेग्रल मल्टीपल यानी एन एच ओवर टू पाए हो यहाँ एन क्वांटम नंबर है जिसकी कीमत एक दो तीन या इससे भी ज़्यादा इन्फिनिटी तक हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का तयन टू एन स्कीयर से किया जा सकता है मसलन पहले मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद दो दूसरे मदार में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आठ और तीसरे मदार में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद अठारह होती है पहले मदार को के मदार दूसरे को एल और तीसरे को एम मदार कहते हैं इसी तरह एन ओ और पी मुख्तलिफ मदार होते हैं नाजरीन इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कान की मजमू तस्वीर को ऑर्बिटल या मदारचा कहते हैं हर ऑर्बिट में मुख्तलि मदारचे होते हैं मसला पहले मदार यानी के मदार में सिर्फ एक मदारचा होता है जिसे एस मदारचा कहते हैं और ये गोल शक्ल का होता है और इसमें सिर्फ़ दो इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं जबकि दूसरे मदार यानी एल मदार में कुल आठ इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं जिनमें से दो इलेक्ट्रॉन एस मदारचे में और छः इलेक्ट्रॉन पी मदारचे में होते हैं पी मदारचे तीन किस्म के होते हैं और वो तीन सीमतों एक्स वाई और जेड पर वाक्य होते हैं और ये तीनों मदारचे एक दूसरे के साथ नवे डिग्री का जाविया बनाते हैं और इनकी शक्ल डुगडुगी जैसी होती है इन मदारचों को पी एक्स पी वाई और पी जेड कहा जाता है तीसरे मदार यानी एम मदार में कुल अठारह इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसमें एक एस मदारचा, तीन पी मदारचे और पांच डी मदारचे मौजूद होते हैं नाजरीन मदारसों में इलेक्ट्रॉन की तरतीब को समझने के बाद आइए अब हम वैलेंस शेल को समझने की कोशिश करते हैं आइटम के सबसे आखिरी मदार को वैलेंस शेल कहते हैं और इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को वैलेंस नंबर कहते हैं मसलन अगर आइटम के आखिरी मदार में एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसका वैलेंस नंबर एक होगा इसी तरह अगर किसी आइटम के आखिरी मदार में सात इलेक्ट्रॉन्स हों तो उसका वैलेंस नंबर भी एक ही होगा क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी ज़रूरत पूरी करता है या अपने नामुकमल मदार को मुकम्मल करता है ये वैलेंस नंबर मस्बत भी होते हैं और मनफी भी होते हैं पहली मिसाल में चूँकि आखिरी मदार में एक इलेक्ट्रॉन है जिसको तोानाई की मदद से निकाला जा सकता है इसलिए उस एटम पर उसका वैलेंस नंबर मस्बत एक होगा और दूसरी मिसाल में जबकि आखिरी मदार में सात इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी ज़रूरत पूरी करता है जिसके सबब उसका वैलेंस नंबर मनफी एक हो जाता है वो एटम जिनका वैलेंस नंबर एक हो मोनोवेलेंट कहलाते हैं जिनका वैलेंस नंबर दो हो उनको ड्राईवेलेंट कहते हैं और वैलेंस नंबर तीन रखने वाले आइटम्स को ट्राइवेलेंट कहते हैं आइए चंद अनासर के वैलेंस नंबर देखते हैं सोडियम इसका वैलेंस नंबर मसबत एक क्लोरीन इसका वैलेंस नंबर मनफी एक फ्लोरिन का वैलेंस नंबर मनफी एक ऑक्सीजन का वैलेंस नंबर मनफी दो पोटेशियम का वैलेंस नंबर मस्बत एक कैल्शियम का मस्बत दो एलूमिनियम का मस्बत तीन आइए अब हम मुख्तलिफ आइटम्स में अलेक्ट्रॉन की तरतीब को देखते हैं हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है ये इलेक्ट्रॉन उसके के शेल में मौजूद होता है हाइड्रोजन के आइटम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता हीलियम के आइटम में दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते, है। होते हैं। उसके न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मौजूद हैं जबकि उसके पहले शेल, यानी के शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन में आठ प्रोटॉन्स और आठ न्यूट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं जबकि आठ इलेक्ट्रॉन्स में से दो इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में और छः इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल यानी एल शेल में मौजूद होते हैं नाइट्रोजन एटम के न्यूक्लियस में सात प्रोटॉन और सात न्यूट्रॉन होते हैं जबकि उसके सात इलेक्ट्रॉन्स में से दो इलेक्ट्रॉन्स के शेल में और पांच इलेक्ट्रॉन एल शेल में मौजूद होते हैं एलुमिनियम के आइटम में तेरह प्रोटॉन और चौदह न्यूट्रॉन होते हैं तेरह इलेक्ट्रॉन्स में से दो इलेक्ट्रॉन के शेल में आठ इलेक्ट्रॉन एल शेल में और तीन इलेक्ट्रॉन्स एम शेल में मौजूद होते हैं नाजरीन ये बात तो आपने जान ली कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स मुख्तफ़ मदार में गर्दश करते हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है अगर किसी एटम के आखिरी मदार में एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो उस पर मस्बत बरकी बार पैदा हो जाता है और वो एटम एक मस्बत बरकी रवा में तब्दील हो जाता है इसी तरीके से अगर किसी एटम के आखिरी मदार में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल कर दिया जाए तो वो एटम एक मनफी रवा यानी नेगेटिव वाइन में तब्दील हो जाता है और उस पर एक मनफी बरकी बार पैदा हो जाता है इसी तरीके से एक से ज़्यादा मस्बत और मनफी बार वाले रवा बनाए जा सकते हैं मसलन कैल्शियम मैग्नीशियम, नाइट्राइड और अलूमिनम आयन वगैरह आइए एक और तस्वर की वजाहत करते हैं कि अनासर के आइंस के, के दरमियान कीमियाई मलाप कैसे होता है और इसके नतीजे में कीमियाई बंधन यानी केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है उन्नीस में कौशल ने यह दरिया किया कि जब अनासर के जोहर आपस में कीमियाई मलाप करते हैं तो अलेक्ट्रॉन देकर या अलेक्ट्रॉन लेकर वो नोबल गैस वाली जोहरी तश्कील इख्तियार कर लेते हैं मसलन टेबल में दर्ज ग्रुप वन ए के अनासर के जोहरों के आखिरी मदार में एक इलेक्ट्रॉन है जबकि सेवन ए ग्रुप में के अनासर के आखिरी मदार में सात अलेक्ट्रॉन हैं जब इन दो मु ग्रुपों से ताल्लुक़ रखने वाले अनासर के जोहर आपस में कीमियाई तौर पर मिलते हैं तो ग्रुप वन ए के अनासर के जोहर तो हासिल करने के बाद अपना एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर देते हैं जिन्हें ग्रुप सेवन ए के अनासर के जोहर बासानी हासिल करके अपने आखिरी मदार में आठ की मुक्र तादाद को मुकम्मल कर लेते हैं इस तरह एक इलेक्ट्रॉन की कमी से मस्बत रवा और एक इलेक्ट्रॉन की ज़्यादाती से मनफी रवा बन जाते हैं जिनके दरमियान एक मजबूत बरकी कशिश यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा हो जाती है और नतीजतान एक मजबूत बंधन बन जाता है जिसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड के बनना सोडियम क्लोराइड सोडियम के आखिरी मदार में एक इलेक्ट्रॉन है जिसे वो खारिज करता है तो क्लोरीन का आइटम अपने आखिरी मदार में उसे जज्ब कर लेता है इस तरकीब से जो कीमियाई बंधन बनता है उसे अलेक्ट्रोवलेंट आयनिक बॉन्ड कहा जाता है इस तरीके से धातुओं और गैर धातुओं के दरमियान जो मरकबात बनते हैं उन्हें अलेक्ट्रोवलेंट आयनिक कंपाउंड्स कहा जाता है आयनिक कंपाउंड्स की चंद मखसूस बातें याद रखने के काबिल हैं यानी, आयनिक कंपाउंड्स आम हालत में सख्त होते हैं इनका दर्जा पिघलाओ और दर्जा खुलाओ बहुत ज़्यादा होता है आयनिक कंपाउंड्स को पोलर कंपाउंड्स भी कहा जाता है क्योंकि पानी में हल होने पर या पिघलने पर यह अपने मस्बत और मनफी रवा में तकसीम हो जाते हैं और इन बरकी सालियत पैदा हो जाती है यानि इन से बिजली गुजर सकती है 1916 में जेन लुइस ने दूसरी किस्म के कीमियाई मिलाप और कीमियाई बंधन का तस्वुर तो पेश किया उसने बताया कि जब अनासर के जोहर आपस में कीमियाई तौर तो पर मिलते हैं तो वह अपने इलेक्ट्रॉन्स की एक दूसरे के साथ शिरकत कर लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स उनका हिस्सा बन जाते हैं जिसके नतीजे में एक मजबूत बंधन बन जाता है मिसाल के तौर तो पर हाइड्रोजन के साल में का बनना हाइड्रोजन के दोनों एटम्स आपस में एक दूसरे से यूँ मनसलिक हो जाते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में शराकत कर लेते हैं और चूंकि हाइड्रोजन के हर एटम के आखिरी मदार में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो यकसा शराकत से अपना मदार मुकम्मल कर लेते हैं जिसके नतीजे में एक कायम पजीर सालमा वजूद में आ जाता है इसी तरीके से और दीगर कायम पजीर सालमे बनाए जा सकते हैं मसला पानी का सालमा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कीमियाई मिलाप से बनता है इस तरह हाइड्रोजन और फ्लोरीन जब आपस में कीमियाई तौर तो पर मिलते हैं तो वो आपस में एक जोड़े की शराकत करते हैं और इस तरीके से हाइड्रोजन भी अपने एक इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरी कर लेता है और फ्लोरीन भी अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरी कर लेता है और जिसके नतीजे में एक कीमियाई बंधन बन जाता है जिसे कोवलन बॉन्ड कहते हैं और एच एफ़ की शक्ल में एक कायम पजीर सालमा वजूद में आ जाता है कोवलन बॉन्ड तीन किस्म के होते हैं जब दो जोहर या दो मुख्तलिफ जोहर आपस में दो इलेक्ट्रॉन की शिराकत करते हैं तो उनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है मसलन हाइड्रोजन और फ्लोरीन या हाइड्रोजन और क्लोरीन का बनना कोवलेंट बॉन्ड की दूसरी किस्म दोहरे बंधन या डबल कोवलेंट बॉन्ड की है इस बॉन्ड के बनने के दौरान चार इलेक्ट्रॉन्स या दो इलेक्ट्रॉन के जोड़े बाह में करते हैं मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन के साल में का बनना ऑक्सीजन के आइटम के आखिरी मदार में छः इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसे कायम पजीर बनने के लिए दो मजीद इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है इस तरह दोनों ऑक्सीजन के आइटम्स आपस में चार इलेक्ट्रॉन्स की बाहमी शराकत से एक बंधन बनाते हैं जो कि डबल बॉन्ड कहलाता है और इसे दो मतवाजी लकीरों से जाहिर किया जाता है कोवलेंट बॉन्ड की तीसरी किस्म तहरे बंधन या ट्रिपल कोवेल बॉन्ड की है इस बॉन्ड के बनने के दौरान छः इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन के जोड़े आपस में शराकत करते हैं मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन गैस का सालमा बनना और नाइट्रोजन के आइटम के आखिरी मदार में पाँच इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन्हें अपना मदार मुकम्मल करने के लिए तीन इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है इस तरीके से जब दो नाइट्रोजन के आइटम्स आपस में कीमियाई तौर पर मिलते हैं तो ये बाह में तीन तीन अलेक्ट्रॉन्स यानी छः इलेक्ट्रॉन्स की शराकत कर लेते हैं जिसके नतीजे में नाइट्रोजन का कायम पजीर सालमा वजूद में आता है और ट्रिपल कोवलन बॉन्ड को तीन मतवाजी लकीरों से ज़ाहिर किया जाता है कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाले मरकबात की कुछ ख़ास बातें मसलन कोवेन्ट कम्पाउंडस तीनों हालतों में ठोस गैस और माया की सूरत में पाए जाते हैं इनका दर्जा खुलाओ और दर्जा पिघलाओ बहुत कम होता है इन मरकबात में बरकी सालियत नहीं होती और ये मरकबात ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल पजीर होते हैं नाजरीन आइए अब इलेक्ट्रॉन की बाहमी शराकत के बारे में एक और तस्वर बरकी मनफियत यानि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजाहत करते हैं जिसकी मदद से मरकब में मौजूद बंधन की शनाख्त की जा सकती है के आया इसमें कोवलन पॉन्ट है या आइनिक पॉन्ट और इस शनाख्त से उस मरकब की खसूसियात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है जब तो मुख्तलिफनासर के जोहर आपस में इलेक्ट्रॉन की बाहमी शराकत करते हैं तो उनमें से एक जोहर अपनी ख़ास जोहरी तश्क़ील के सबब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है जिसकी वजह से गैरमसावी शराकत वजूद में आती है इस गैरमसावी शराकत के नतीजे में एक जोहर पर कदरे कम मस्बत चार्ज और दूसरे पर कदर ज़्यादा मनफी बार पैदा हो जाता है और जिसके नतीजे में उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ज़्यादा मज़बूत हो जाती है तो आइए आप देखते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड यानी एच सी एल के साल में बरकी मनफियत कैसे पैदा होती है जैसे कि आप जानते हैं कि क्लोरीन के आइटम में पहले से इलेक्ट्रॉन की बहतात है और यह मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखता है क्लोरीन की ये सलाहियत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी या बरकी मनफियत कहलाती है एक अमरीकी साइंसदान पॉलिंग ने धातुओं और गैर धातुओं की बरकी मनफियत हसाबी तरीके से मालूम की उसने बताया कि फ्लोरीन की बरकी मनफियत सबसे ज़्यादा यानि चार इशारिया ज़ीरो है जबकि सीजियम धात की बरकी मनफियत सबसे कम यानि इशारिया सात है जब दो मुख्तलि के जौहर आपस में कीमियाई मिलाप करते हैं तो उनकी बरकी मनफियत का फ़र्क मालूम किया जा सकता है अगर उनके दरमियान बरकी मनफियत का फ़र्क एक अशारिया सात से ज़्यादा हो तो उनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है और अगर एक इशारिया सात से कम हो तो उस मुरक्कब में कोवलेंट बॉन्ड बनता है मिसाल के तौर पर हाइड्रो हाइड्रोजन क्लोराइड का सालमा बनने के दौरान हाइड्रोजन की बरकी मनफियत दो इशारिया एक है जबकि क्लोरीन की बर की मनफियत तीन इशारिया ज़ीरो है और इनकी बर की मनफियत का फर्क इशारिया नौ है जो कि एक इशारिया सात से कम है इसे जाहिर होता है कि एच सी एल में कोवलन बॉन्ड है इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड के सालमी फार्मूला में कीमियाई बॉन्ड की शिनाख्त की जा सकती है क्योंकि उनके दरमियान बरकी मनफियत एक इशारिया सात से ज़्यादा है जिससे यह जाहिर होता है कि एन सी एल के दरमियान आयनिक बॉन्ड नाजरीन ये थी चंद बातें एटम की साख और उसके नजरिए के इरतका के बारे में इसके अलावा हमने आपको मुख्तु मदारों में अलक्ट्रॉन्स की तरतीब कीमियाई बंधन और बरकी मनफियत के बारे में भी बताया हमें उम्मीद है कि हमारे आज के इस प्रोग्राम से आपको अपने दरसी मवाद को समझने में मदद मिली होगी अब आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए खुदा हाफ़